तस्वीरों में फसल चर रही गायें आवारा मवेशी नहीं बल्कि गौशाला की गायें हैं, और ये यहाँ अपने ही हक की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा रही हैं। जी हाँ, यह अनूठा मामला है आगर मालवा जिले का। यहाँ पर प्रशासन ने 800 बीघा गोचर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया, और इसके लिए उन्होंने पहले यहाँ उगी फसल में गौशाला की गायें चरवा दी। इस पूरी जमीन पर गायों और मवेशियों को छोड़ा गया और फसल को नष्ट किया गया। बता दें कि आगर मालवा जिले में निरंतर शासकीय एवं चरणोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसडीएम का कहना है कि अब तक 1500 बीघा से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। शासन के निर्देशानुसार सुस्थिर अनुभाग में लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो गोचर की भूमि है वो हटाकर गायों के चरने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सेमलखेड़ी में 800 बीघा भूमि का अतिक्रमण हटाया गया। सारे कृषकों की जो फसल थी अतिक्रामकों की, उनकी फसल पूरी गौशालाओं से गायों को बुला के उनकी सारी फसल को चरवाई गई और पूरे 800 बीघा पर जेसीबी की मदद से चरी खोद दी जाएगी और उस सारे जमीन पे शासन के बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं कि ये चरणों के लिए सुरक्षित है। अगर कोई भी इसमें अनाधिकृत प्रवेश करता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी कार्रवाई सतत चल रही है। अनुभाग में अभी तक 1500 बीघा से ज्यादा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई सतत चल रही है। बता दें कि ये पूरा मामला आगर मालवा जिले के तहसील लड़खेड़ा के गांव सेमलखेड़ी का है। दरअसल यहां 800 बीघा शासकीय जमीन जो कि गोचर के लिए आवंटित थी, उसकी देखरेख न होने के कारण किसानों ने यहां पर उनकी फसल उगा दी थी, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व अमले की टीम ने इस पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और उगी फसल को नष्ट कराने के लिए गौशाला से ही गायों को बुला लिया गया। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट, एमपी तक।